धरा ने आलिया की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, खुश होने वाली बात है, हमें काफी बड़े अमाउंट का ऑर्डर मिल रहा है, इसीलिए ये सारे विदेशी यहाँ पर खड़े होकर इतना शोर मचा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। इन्हें हमारी कढ़ाई बहुत ज्यादा पसंद आई है और ये हमारे नक्काशी के सामान को खरीदना चाहते हैं। धरा की बात सुनकर देविका और आलिया एक दूसरे की तरफ देखती हैं और तभी आलिया ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी ट्रेडिशनल कढ़ाई को लोग इतना ज्यादा पसंद करेंगे। देविका ने आलिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो सच में बहुत खुश होने वाली बात है, आई थिंक हमें ये बात मिहिर को बतानी चाहिए। धरा देविका की बात सुनकर तुरंत मिहिर के पास फोन करती है और उसे सारी बातें बताती है। मिहिर ने धरा की बात सुनकर खुश होते हुए धरा से कहा, तुमने तो बहुत अच्छी न्यूज दी है, रुको मैं अभी यूनिवर्सिटी के एग्जीबिशन प्लेस पर आता हूँ। मिहिर ने तुरंत निखिल के पास कॉल करके उसे ऑर्डर देते हुए कहा, अपने कुछ लोगों को लेकर तुरंत यूनिवर्सिटी एग्जीबिशन में पहुंचो, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने होंगे। निखिल मिहिर की बात सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है और बोला, मैं तो इस एग्जीबिशन को बस छोटा सा एक कॉम्पिटिशन समझ रहा था, पर छोटे सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए बोला, पता नहीं वो क्या चाहते हैं, एग्जीबिशन का क्या रिजल्ट आएगा। इतना बोलकर निखिल तुरंत मुंबई यूनिवर्सिटी में लगी उस एग्जीबिशन की तरफ जाने लगता है। निखिल जैसे ही यूनिवर्सिटी की उस एग्जीबिशन में पहुंचता है, वहां पर लगी उस एग्जीबिशन को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये तो एक नॉर्मल एग्जीबिशन जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो देखने में नेशनल एग्जीबिशन की तरह लग रहा है। कितने सारे कलरफुल क्राफ्ट दिख रहे हैं और साथ ही अलग अलग कंट्री के लोगों ने भी इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, मुझे तो इसे देखने के लिए पहले ही आना चाहिए था। तभी निखिल को वहां पर दूर एक स्टोर के पास खड़ा मिहिर दिखाई देता है और निखिल ने मिहिर के पास जाकर कहा, आपने जो कुछ भी सामान लाने के लिए कहा था मैं वो सारा सामान ले आया हूँ, ये यूनिवर्सिटी का एग्जीबिशन देखकर तो मुझे सच में भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये सिर्फ एक एग्जीबिशन है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में खड़ा हूँ। मिहिर निखिल की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें और भी कई सारी बातें बताता हूँ। निखिल मिहिर की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है और मिहिर के पीछे पीछे चला जाता है। मिहिर निखिल को सारी सिचुएशन डिटेल में बताते हुए बोला, हमें जितने भी ऑर्डर्स मिलेंगे हम उन सब का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अगर हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होगा तो तुरंत ही लेन देन किया जाएगा और अगर स्टॉक नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट डेट के अकॉर्डिंग करेंगे और उसी डेट पर हम उन्हें अपने सामान को डिलीवर करेंगे। मिहिर निखिल को सारी बातें डिटेल में समझाता है और निखिल मिहिर की बातें सुनकर थोड़ा सा पसीने से लथपथ हो जाता है और मिहिर की तरफ देखकर हां में सिर हिलाता है। मिहिर निखिल को इस तरह घबराते देखकर निखिल के कंधे पर हाथ रखता है और बोला, अरे क्या सोच रहे हो तुम, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं निखिल, बस तुम अपना काम ध्यान से करो और एक बात याद रखो कि हमें अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा बर्ताव करना है और उन्हें अपनी चीजों से सेटिस्फाई करना है। मैं जानता हूं सिचुएशन अभी थोड़ी सी टफ है लेकिन हम साथ मिलकर इसे हैंडल कर सकते हैं। निखिल मिहिर की बात सुनकर बोला, मैं पूरी कोशिश करूंगा छोटी सरकार। मिहिर निखिल की बात सुनकर बोला, ठीक है तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो सब आराम से हो जाएगा। निखिल मिहिर की बात सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करता है और अपने मन में सोचता है, पता नहीं कैसे मिहिर सर हम सब के मन की बात को इतनी आसानी से समझ लेते हैं, अब अगर उन्होंने मुझे ये काम दिया है तो मैं इसे सक्सेसफुली पूरा करूंगा। मिहिर निखिल को काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद बाकी सभी वर्कर्स को भी उनके काम दे देता है और अब मिहिर के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं रहता। तभी मिहिर अपने मन में सोचता है, मैंने सबको तो सबके काम दे ही दिए हैं, अब मैं कुछ देर स्टोर पर आराम से बैठकर रेस्ट कर लेता हूं। मिहिर अपने स्टोर की बिक्री को सोचकर खुश हो रहा है। तभी मिहिर को अपने सामने वाले स्टोर पर खड़ा आदित्य सिंह दिखाई देता है और मिहिर उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगता है। तभी मिहिर अपनी जगह से उठता है और एग्जीबिशन के मेन स्टोर की तरफ जाने लगता है। मिहिर की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है और उसे देखकर मिहिर वहीं अपनी जगह पर रुक जाता है और अपने मन में सोचता है, इस आदमी को तो मैंने कहीं देखा है, अरे हाँ याद आया, ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मेरी आलिया का हाई स्कूल का क्लासमेट है, ये यहां पर क्या कर रहा है। तभी मिहिर को याद आया कि वो अभिनव वर्मा MK ट्रेडिंग कंपनी को चलाता है और उसे इन सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा समझ है, तो वो एग्जीबिशन में आकर अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए मिली इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे गंवा सकता है।
इसीलिए वो एग्जीबिशन में खड़ा किसी को बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ ढूंढ रहा है। तभी मिहिर अभिनव को नोटिस करता है। वो इधर उधर देखता है और उसे जैसे ही आलिया दिखती है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से आलिया की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अभिनव वर्मा तुरंत आलिया के पास जाता है और आलिया की तरफ देखकर बोला, आलिया तुम यहां पर क्या कर रही हो? मिहिर अभिनव को इस तरह आलिया से बात करता देखकर गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर बोला, ये कमीना फिर से आलिया से बात करने के मौके ढूंढने लगा, क्या करूं, उसे जाकर अभी सबक सिखाऊं क्या? तभी मिहिर अपनी जगह पर रुक जाता है और अभिनव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं 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 नहीं, मारपीट करने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी एग्जीबिशन में हुई इतनी बिक्री के बाद मैं लड़ाई करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए इस अभिनव के थोड़े मजे ले लेता हूं। आलिया ने पूछा, मैं तो इस एग्जीबिशन में अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए आई हूं, लेकिन तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम्हें आज यूनिवर्सिटी आने का टाइम कैसे मिल गया? तभी अभिनव आलिया की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बोला, आलिया तुमने ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है ना, ये तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और मुझे भी इस एग्जीबिशन में कुछ चीजें पसंद आई हैं, तो क्या मैं इस शॉप के बॉस से मिल सकता हूं, क्योंकि मुझे भी कुछ चीजें ऑर्डर करनी है। अभिनव की बात सुनकर एक स्टाफ मेंबर की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, बहुत ही आसान है, तुम सीधे उस स्टाफ मेंबर के पास जाओ और वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बना देगा, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। अभिनव आलिया की तरफ देखकर ना में अपना सिर हिलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मुझे तो डायरेक्टली इस स्टोर के ओनर से मिलना है, अगर तुम उन्हें जानती हो तो उससे मेरा इंट्रोडक्शन करवाओ ना प्लीज। आलिया ने अपने मन में कहा, यार मैं नहीं चाहती कि अभिनव और मिहिर एक दूसरे के सामने आए और एक दूसरे से मिले, क्योंकि ये दोनों अगर आमने सामने आएंगे तो फिर कहीं आपस में लड़ाई न करने लगे, मैं मिहिर को तो समझा भी नहीं पाऊंगी। आलिया ये बातें सोच ही रही है कि तभी अभिनव आलिया की तरफ देखकर बोला, क्या सोचने लगी, बताओ मुझे, क्या ओनर से तुम मुझे इंट्रोड्यूस करा सकती हो? आलिया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इस शॉप की ओनर आई थिंक अभी यहां है नहीं, इसलिए तुम अपनी चीज ऑर्डर करो और यहां से जल्दी से सामान खरीद लो, क्योंकि यहां का सामान बहुत जल्दी बिक रहा है, हो सकता है कि तुम्हें फिर अपना मनपसंद सामान ना मिल पाए। अभिनव ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज अगर तुम यहां पर इस शॉप में अपने फ्रेंड की मदद करने आई हो तो तुम मुझे उससे मिलवा भी सकती हो, मैं तुम्हारा क्लासमेट हूं, तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना? अभिनव की बात सुनकर आलिया ने अपने मन में सोचा, मैं अब इससे और कौन सा बहाना बनाऊं। तभी पीछे से मिहिर, जो अभी तक आलिया और अभिनव को बात करते देख रहा है, और अब वो आलिया के पास आते हुए बोला, क्या हुआ आलिया, कौन है ये? मिहिर आलिया के पास आता है और अभिनव को ना जानने की एक्टिंग करते हुए आलिया की तरफ देखकर पूछता है। तभी आलिया ने मिहिर की तरफ देखकर कहा, अब ये मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट हैं, अभिनव वर्मा, एमके ट्रेडिंग कंपनी के सीईओ हैं। मिहिर आलिया की तरफ देखकर हां में सिर हिलाता है और बोला, अच्छा तो फिर मेरा इंट्रोडक्शन तो करवाओ इनसे। आलिया मिहिर की तरफ घूर कर देखती है और उसने अभिनव से कहा, अब इनसे मिलो अभिनव, ये हैं धरा एम्ब्रॉयडरी कंपनी के सीक्रेट बॉस, इनका नाम मिहिर बिष्ट है और ये मेरे मंगेतर हैं। मिहिर जैसे ही आलिया के मुंह से ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि आलिया इस तरह से उसे अपना मंगेतर बोलेगी, वो भी सबके सामने। इसी वजह से मिहिर मुस्कुराने लगता है और हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ अभिनव की तरफ बढ़ाता है। अभिनव आलिया की बात सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिनव भी आलिया को पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहा है। अभिनव मिहिर से हैंडशेक करता है और मिहिर को घूर कर अपना गुस्सा निकालने के लिए मिहिर के हाथ को कस कर दबा देता है। जैसे ही मिहिर अपने हाथ पर उस प्रेशर को फील करता है, वो भी पीछे हटने वाला नहीं है, वो भी अपने हाथ से अभिनव के हाथ को कस कर दबाता है और अभिनव का गला सूख जाता है, क्योंकि अभिनव की स्ट्रेंथ के आगे मिहिर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और अभिनव को ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसका हाथ बड़े लोहे के नीचे दबा दिया हो, और अभिनव को बहुत ज्यादा पेन होता है। पर अभिनव आलिया को अपने सामने देखकर नहीं चिल्लाता। आलिया जैसे ही अभिनव के चेहरे के बदलते हाव भाव देखती है, वो जल्दी से दोनों को देखकर बोलती है, अब तुम दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ सकते हो। तभी अभिनव ने मिहिर की तरफ देखकर बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, डायरेक्टर मिहिर, आपसे मिलकर अच्छा लगा।
मिहिर ने अभिनव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सच में? तभी आलिया अभिनव और मिहिर की तरफ घूर कर देखती हुई अपने मन में बोली, ये इन आदमियों का मेल ईगो, क्या करूं मैं इन दोनों का। अभिनव मिहिर की तरफ देखता है और अपने हाथ को सहलाने लगता है, क्योंकि मिहिर ने अभी इतनी तेज अभिनव के हाथ को दबाया है कि अभिनव को ऐसा लग रहा है कि उसकी हाथ की सारी हड्डियां टूटकर चूरमा बन गई हैं। मिहिर अभिनव को अपना हाथ सहलाता देखकर मुस्कुराता है और बोला, आप यहां पर वैसे करने क्या आए? क्या आपको मेरी शॉप से कुछ खरीदना है? अगर आप मेरी शॉप का सामान खरीदेंगे तो मैं आपको अच्छे प्राइस पर सामान दे सकता हूं। मिहिर की बात सुनकर अभिनव अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, जी हाँ, मुझे 100 कढ़ाई वाले कपड़े और 100 डिस्प्ले पीस चाहिए। इतना बोलकर अभिनव ने अपने मन में सोचा, मैं अगर ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद लूंगा तो मुझे ये ज्यादा छूट तो देगा ही, और साथ ही आलिया के ऊपर मेरा इंप्रेशन भी काफी अच्छा पड़ेगा। तो क्या होगा आगे, ये जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।